नमस्कार मित्रों, जय मातरी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मित्रों, आपके द्वार पर खड़ी है यह देवी। अगले 48 घंटों में जो भी मांगना है मांग लो, क्योंकि ऐसा समय बार बार नहीं आएगा मित्रों। यह देवी स्वयं आपके द्वार पर आप ही को देने पधारी है, आपके भाग्य को सवारने के लिए आई है और आपकी किस्मत को चमकाएगी। मित्रों, जो भी मांगोगे मिलेगा, लेकिन सावधान रहिएगा कि इस बात की भनक किसी को भी मत पड़ने देना। अगले 48 घंटे आपकी जिंदगी के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि जो चमत्कार होंगे, जो शक्तियाँ आपको दिखाई देगी, ऐसे 48 घंटे बार बार नहीं आते हैं। मित्रों, व्यापार की दृष्टि से, नौकरी की दृष्टि से, पारिवारिक जीवन यापन के लिए, प्रेम संबंधों के लिए, साथ ही मित्रों विद्यार्थियों के साथ बेरोजगारों के लिए यह समय कैसा रहेगा। सबसे पहले तो मित्रों, जो भी भक्त अपनी माँ से प्यार करते हैं, इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने मन की कोई भी मनोकामना पूरी करने के लिए 7 बार जय माँ भवानी अवश्य लिखिएगा। माँ भवानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। तो मित्रों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा, ध्यान से बने रहिएगा। तो आइए बात करते हैं कि किस तरह से यह देवी आपके द्वार पर पहुंचेगी और किस तरह से जीवन में नए परिवर्तन देगी। मित्रों, यदि व्यापारियों की बात करें तो साझेदारी से जुड़े व्यवसाय में लाभदायक स्थितियां आपके लिए बन रही है, लेकिन मौजूदा कामों को ही पूरा करें, क्योंकि लंबी छलांग मारना कभी कभी आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। मित्रों, हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक एक कदम से ही व्यक्ति आगे बढ़ता है। भविष्य को लेकर बनाई गई योजनाएं अभी के समय में स्थगित रखें, क्योंकि वर्तमान में जो जैसा चल रहा है उसे वैसा ही चलने दें। मार्केटिंग संबंधित कार्यों को करने में स्वयं की अपेक्षा पार्टनर या सहयोग की हेल्प लें तो ज़्यादा उचित रहेगा। और विपरीत लिंगी मित्रों से मर्यादित दूरी रखें, क्योंकि इसका असर घर की सुख शांति पर भी पड़ेगा और घर की सुख शांति आपको भंग नहीं होने देनी है। घर में यदि कोई भी छोटी मोटी नोकझोंक भी चल रही है तो आप उसका हल बैठ कर निकालें। विपरीत लिंगी मित्रों से मर्यादित दूरी रखें, क्योंकि इसका असर घर की सुख शांति पर भी पड़ेगा। और आपको बता दें मित्रों, आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, परंतु स्त्री वर्ग अपने स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल लापरवाही ना बरतें। वही मित्रों आपको बता दें कि जब यह देवी आपके द्वार पर आएगी तो आपको मित्रों अपने घर की एक डेली पर, यानी कि जो मुख्य द्वार की डेली है, वहां पर दीपक जलाना है और हल्दी के स्वास्तिक बनाने हैं। मित्रों, आप बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें, क्योंकि यह देवी आपके घर किसी भी रूप में आ सकती है। गाय के रूप में आ सकती है, किसी नागिन के रूप में आ सकती है, या किसी साधु के रूप में भी आ सकती है। इनका सत्कार करें, बिल्कुल इनका सम्मान करें और इन्हें कुछ ना कुछ दान में अवश्य दें। मित्रों, कुछ समय आत्मा मनन करने अथवा किसी आध्यात्मिक स्थल पर भी व्यतीत करने से आपको मानसिक सुकून मिलेगा, क्योंकि कहते हैं कि जहाँ इस जिंदगी में आपको शोर ही शोर सुनाई दे रहा है, तो वहीं यदि आप आध्यात्मिक स्थल पर समय व्यतीत करेंगे, आपको मानसिक सुकून की प्राप्ति होगी और भरपूर ऊर्जा और सकारात्मक महसूस करेंगे। बच्चे भी अपनी पढ़ाई के प्रति पूरी लगन से समर्पित रहेंगे और इस समय कुछ नुकसान होने जैसी स्थिति भी बन रही है। इस नुकसान को झेलने की आप में क्षमता है, ज़्यादा ना सोचें मित्रों, क्योंकि समय की चाल है। यदि पहले के समय में आपको लाभ हुआ था तो इस समय में कुछ हानि भी होगी। और भरपूर ऊर्जा और सकारात्मक आप महसूस करेंगे। बच्चे भी अपनी पढ़ाई के प्रति पूरी लगन से समर्पित रहेंगे, एक एक कार्य बड़े ही सुंदरता से और बड़े ही सरलता से करने में आप सक्षम रहेंगे। मित्र, आपको बता दें
कि इस समय कुछ नुकसान होने जैसी स्थिति बन रही है। जी हाँ, तो किसी भी धन संबंधित निवेश में पैसा ना लगाएं और ना ही किसी भी व्यक्ति को पैसा उधार दें, क्योंकि वापसी की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं लग रही है और आपका मेहनत का पैसा डूब सकता है। यदि आप किसी को विश्वास करके पैसा दे रहे हैं, आप किसी व्यक्ति को बहुत बारीकी से पहचानते हैं तो आप दे सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको किसी तीसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप में यानी कि गवाही में ही पैसा उधार देना है कोई भी कार्य या धन संबंधित लेन देन करते समय। बिल या कागजी कार्यवाही जरूर करें, क्योंकि मित्रों कहते हैं कि आज का युग कागजी कार्रवाई पे ही चल रहा है। यदि आपके पास लिखा हुआ होगा तो आप किसी भी सामने वाले व्यक्ति को जाकर कह सकते हैं कि आपने इसको पैसे उधार दिए थे, क्योंकि पारदर्शिता बनाकर रखना अति आवश्यक है। कहते हैं मित्रों कि अक्सर विश्वास तोड़ने वाले कोई अपने ही होते हैं, नौकरी में किसी अनैतिक गतिविधि की वजह से मुसीबत में फंस सकते हैं, इसलिए अनैतिक गतिविधियों से दूर रहें, अपना कार्य अपनी मेहनत अपनी लगन से करें। दाम्पत्य जीवन में चल रहे विवादों को आपसी सामंजस्य से सुलझाएं और बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप आपको बिल्कुल नहीं होने देना है। पेट दर्द व कब्ज जैसी शिकायत रहेगी तो सुपाच्य भोजन लें तथा आयुर्वेदिक इलाज अवश्य करवाएं। और ग्रह स्थिति बहुत ही सकारात्मक बनी हुई है। जिस ग्रह स्थिति का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जो ग्रह स्थिति आपके जीवन को सुधारने आ रही है। मित्रों, बच्चों के करियर से संबंधित शुभ सूचना मिलने से घर में उत्सव का माहौल रहेगा। अगर स्थान परिवर्तन की योजना बना रहे हैं, जगह बदलना चाह रहे हैं, तो इसके लिए उचित समय है। यह समय कुछ नहीं करना है, सिर्फ धैर्य और शांति के साथ आपको व्यतीत करना है। धैर्य और शांति के साथ ही आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे और किसी मित्र या भाई के साथ संबंध खराब होने की आशंका लग रही है, इसका नकारात्मक असर आपकी कार्य क्षमता पर पड़ सकता है तथा महत्वपूर्ण कार्यों में भी रुकावट आ सकती है। इसी के साथ व्यवसाय में अत्यधिक कार्यभार की वजह से जो अतिरिक्त समय देना पड़ेगा, हालांकि कर्मचारियों के सहयोग से कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो जाएंगे तो मीडिया तथा प्रिंटिंग से संबंधित व्यवसाय में लाभदायक स्थितियां बन रही है। परिवार में सामंजस्यपूर्ण वातावरण रहेगा और प्रेम संबंधों में भी मधुरता और मर्यादित रहेंगे। लेकिन मित्रों, आपको बता दें कि जिन कार्यों में रिस्क है, जैसे कि सट्टा हो गया, शेयर बाजार हो गया, ऐसे प्रवृत्ति के कार्यों से दूर रहें। चोट लगने या एक्सीडेंट होने की भी आपको आशंका या स्थिति बन रही है तो बेहतर होगा कि वाहन चलाए ही नहीं। कुछ समय मिले जुले प्रभाव वाला व्यतीत होगा। वित्तीय योजना संबंधित कार्यों पर आप अपना अधिक ध्यान केंद्रित रखें, क्योंकि ग्रह स्थिति लाभदायक वातावरण बना रही है। घर में कोई मांगलिक कार्य संबंधित भी योजना बन सकती है और इसी योजना के जरिए आप बहुत कुछ हासिल कर लेंगे। संतान पक्षों को लेकर मन कुछ चिंतित रहेगा, कुछ समय उनकी समस्याओं के समाधान के लिए भी जरूर निकालें और व्यर्थ की घूमने फिरने व मौज मस्ती में अपना समय व्यतीत ना करें। इसकी वजह से आपके काफी महत्वपूर्ण कार्य रुक सकते हैं और व्यवस्था की वजह से व्यवसाय पर अधिक ध्यान नहीं दे पाएंगे, इसलिए कोई नई योजना या नया काम बिल्कुल भी शुरू ना करें, क्योंकि अभी कामयाबी मिलने की संभावना जो है थोड़ी कम है। तो बेहतर होगा कि जैसा वर्तमान में चल रहा है उसी पर अपना ध्यान केंद्रित रखें और ऑफिस में शांतिपूर्ण माहौल बना रहेगा। मित्रों, परिवार में कुछ तनावपूर्ण माहौल रहेगा, हालांकि समय की चाल सब कुछ ठीक कर देगी। संबंधियों अथवा मित्रों के आगमन से वातावरण पुनः सामान्य हो जाएगा। आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परंतु तनाव व थकान से बचने के लिए आराम लेना भी आवश्यक है। मित्रों, वीडियो की समाप्ति यहीं पर होती है।
वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिएगा। और दैनिक राशि फल एवं रोजाना ज्ञान वर्धक वीडियो की प्राप्ति के लिए आप सभी मित्रों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे अभी जुड़ जाइएगा।